नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 91 लाख के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 44,059 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 91,39,865 हो गई है। वहीं इस दौरान 511 लोगों की मौत हुई है और कुल मृतकों की संख्या 1,33,738 हो गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 41,024 मरीज इस खतरनाक वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 85 लाख के आंकड़े को पार करते हुए 85,62,641 हो गई है। आपको बता दें, भारत में अभी 4,43,486 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना जांच की बात करें तो ये संख्या 13 करोड़ के पार हो गई है। ICMR के मुताबिक देश में अब तक 13,25,82,730 लोगों की जांच हो चुकी है, जिसमें पिछले 24 घंटे के दौरान 8,49,596 टेस्ट भी शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 6,746 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,29,000 से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से 121 मरीजों की मौत हुई है। ये दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण एक दिन में मरने वालों की सबसे ज्यादा संख्या है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी की वजह से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 8,391 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 5,753 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इसके अलावा 4,060 लोग रिकवर हुए हैं। वहीं 50 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक 17,80,208 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राज्य में पिछले 24 घंटे में 2,557 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 2,187 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 5,26,780 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 3,591 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 3,726 मरीज रिकवर हुए हैं। वहीं 49 कोरोना मरीजों की जान गई है। बंगाल में अब तक 4,56,361 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में 385 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 606 मरीज रिकवर हुए हैं और 5 लोगों की बिहार में कोरोना से मौत हुई है। इसके अलावा अब तक राज्य में 2,30,632 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र ने 4 राज्यों में हाई लेवल टीमें भेजी हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी और छत्तीसगढ़ में ये संक्रमण की रोकथाम के उपाय सुझाएंगी। ये टीमें राज्य सरकारों को कंटेनमेंट, निगरानी, टेस्टिंग और मरीजों के इलाज के बेहतर इंतजाम करने में मदद भी कर रही हैं। आपको बता दें, इससे पहले हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में केंद्रीय टीमें भेजी जा चुकी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।